सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाए इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की इटावा रेलवे जंक्शन की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इटावा रेलवे जंक्शन उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में और इटावा जिला के इटावा शहर में स्थित उत्तर प्रदेश के और इटावा जिला के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह जंक्शन उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है, जो कि रेलवे नेटवर्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग शहरों के साथ भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है ETW। इटावा रेलवे स्टेशन एक कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है, जिस वजह से यात्री इटावा रेलवे स्टेशन के माध्यम से भारत के अलग अलग शहरों तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इटावा रेलवे जंक्शन उत्तर प्रदेश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 150 वर्षों की अधिक समय से इटावा जिला वासियों के लिए और आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। यह स्टेशन इलाहाबाद डिवीजन का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर, इटावा ग्वालियर लाइन पर और इटावा आगरा लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफी व्यस्त है। इटावा रेलवे स्टेशन का गठन उस समय किया गया था जिस समय पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ा जा रहा था। ठीक उसी समय इटावा रेलवे स्टेशन का भी गठन किया गया था। वैसे इटावा रेलवे जंक्शन का गठन साल 1866 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के द्वारा खोला गया था। जानकारी के लिए बताते, हावड़ा से दिल्ली रेल लाइन को साल 1866 के दौरान खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 1532 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे हावड़ा दिल्ली मेल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह रेल लाइन पश्चिम बंगाल के हावड़ा और भारत की राजधानी दिल्ली को पटना और कानपुर के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। इसी रेलवे लाइन के बीच में इटावा रेलवे स्टेशन स्थित है। कानपुर से दिल्ली लाइन को साल 1866 के दौरान खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 435 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे कानपुर दिल्ली सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह रेल लाइन हावड़ा दिल्ली मेल लाइन का ही एक हिस्सा है। इटावा से ग्वालियर रेल लाइन को साल 2016 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेल लाइन उत्तर प्रदेश के इटावा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को भिंड रेलवे स्टेशन के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है और मैनपुरी से इटावा रेल लाइन को 28 दिसंबर साल 2016 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बताते, इटावा रेलवे स्टेशन साल 2015 से पहले जंक्शन नहीं बल्कि सिर्फ एक साधारण रेलवे स्टेशन हुआ करता था। इस स्टेशन को जंक्शन का दर्जा तब दिया गया जब साल 2015 में इटावा से भिंड और भिंड से ग्वालियर रेल लाइन को और इटावा से मैनपुरी रेल लाइन का निर्माण होने के बाद इटावा रेलवे स्टेशन को एक जंक्शन के रूप में विकसित किया गया था। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो इटावा रेलवे जंक्शन को साल 1961 से साल 1963 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। कानपुर से दिल्ली रेल लाइन को साल 1967 से साल 1970 के दौरान और हावड़ा से दिल्ली मेल लाइन को साल 2002 में पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया गया था। इटावा रेलवे स्टेशन पहले काफी छोटा हुआ करता था और बहुत सारी सुविधाओं की कमी हुआ करती थी, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के मौजूदा समय पे साल 2020 के नजरिए से देखा जाए तो यह रेलवे स्टेशन अपने आप में काफी बदल गया है, क्योंकि इटावा रेलवे स्टेशन को बिल्कुल नए तरीके से बनाकर यात्रियों के लिए शुरू किया गया है। वैसे इटावा से कानपुर की दूरी महज 140 किलोमीटर और इटावा से दिल्ली की दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इटावा रेलवे स्टेशन हावड़ा और दिल्ली के बीच में स्थित है, जिस वजह से यात्री इटावा रेलवे स्टेशन के द्वारा हावड़ा दिल्ली मेल लाइन से भारत के अलग अलग शहरों तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं।
इटावा रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के इलाहाबाद रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। 5 नवंबर साल 1951 में इटावा रेलवे स्टेशन को इलाहाबाद रेलवे डिवीजन का हिस्सा बनाया गया था। इटावा रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र से 154 मीटर तकरीबन 505 फुट के करीब है। इटावा रेलवे स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 15,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 90 रेलगाड़ियों से जाता इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। आपको बता दें, इटावा रेलवे स्टेशन के माध्यम से कुल मिलाकर रोजाना 81 रेलगाड़ियां इस स्टेशन पर रुकती है और कुल मिलाकर 6 रेलगाड़ियां रोजाना इस स्टेशन के माध्यम से बनती है और 6 रेलगाड़ियां समाप्त होती है। इटावा रेलवे जंक्शन हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर, इटावा ग्वालियर झांसी लाइन पर, मैनपुरी इटावा लाइन पर, कानपुर दिल्ली सेक्शन पर और इटावा आगरा लाइन पर स्थित है।